आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बिल्कुल सही सुना, नेपाल खत्म क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्या रिपब्लिक ऑफ नेपाल खत्म हो जाएगा? वाकई में दोबारा से किंगडम ऑफ नेपाल आएगा? नेपाल को मैंने काफी बार कवर किया है, किंगडम। आप सबको पता है कि नेपाल के अंदर हालात काफी कशीदा है, किंग को वापसी लाने की बात हो रही है, किंग को कैसे लाएंगे। बट यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या नेपाल इस टाइम पे सिविल वॉर की तरफ जा रहा है? कहीं ना कहीं लग सकता है आप लोगों को। इसके बारे में आज मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि देखिए नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो काफी खतरनाक हो रहे हैं। आप लोगों ने 5-6 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर देखे थे किस तरीके से कंडीशन चली थी, सेम कंडीशन अब मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि नेपाल के अंदर भी आ सकती है। हमारे पास इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है, रिपोर्ट देख के फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं किंग वापसी सकता है। इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बिल्कुल सही सुना, नेपाल खत्म क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्या रिपब्लिक ऑफ नेपाल खत्म हो जाएगा? वाकई में दोबारा से किंगडम ऑफ नेपाल आएगा? नेपाल को मैंने काफी बार कवर किया है, किंगडम ऑफ नेपाल, केपी ओली की बायोग्राफी, नेपाल का इतिहास आप देख सकते हैं। तो अगर नेपाल की बात करें बेटा, तो नेपाल में हो रहे हैं प्रोटेस्ट। सर क्यों? देखिए, एक चीज मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व की है, 2008 में मैंने जस्ट टेंथ अपना किया था, ठीक है, जस्ट अपना टेंथ जो है वो पास किया था, अभी मैं 30 साल का हूं। तो 2008 में जब मैंने अपना टेंथ पास किया, उसी समय नेपाल में कुछ हुआ। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की निकल, पहली फुर्सत में निकल, ये हुआ और नेपाल एक रिपब्लिक बन गया। क्यों हुआ ऐसा? पीछे चलिए, पीछे बहुत पीछे चलना पड़ेगा हमको। और अशोक एम्पायर, मौर्यंस, अशोक एम्पायर का, अरे उससे भी पीछे चलिए। देखिए, उस समय नेपाल भारत का ही था, भारत का ही पार्ट था, ठीक है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, जो साउथ नेपाल में आता है, किसका? भगवान बुद्ध का। मौर्यन एम्पायर, बाद में अशोक आए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने तो फिर पूरा भारत ही यूनाइट कर दिया। तो मौर्यन एम्पायर जो है वो नेपाल इनके अंडर में, और उसके बाद चलती रही, मल्लाज आए और बहुत लोग आए। लेकिन मेन दोस्तों 16th सेंचुरी, गोरखास मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16th सेंचुरी जो है, जब ये खास लोग थे जो यहां पर डील करते थे। आपको बता दूं कि जब भी हिंदुइज्म की बात होती है तो नेपाल जो है ना, भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। भारत के बाद की अगर ऐसे बात करो आप, पॉपुलेशन हालांकि वहां खाली 3 करोड़ है, बट 82% वहां पे हिंदुइज्म है, भगवान शिव की वहां पे पूजा की जाती है। और नेपाली अभी भी कहते हैं कि असली हिंदू तो हम हैं, असली हिंदू तो हम है, गाय की पूजा की जाती है वहां पे, नंदी बहुत बड़ा सिंबल है वहां पे, असल हिंदू राष्ट्र। और आपको एक और बहुत जबरदस्त फैक्ट बताता हूं, नेपाल बहुत पूरी दुनिया में बहुत ऐसे कम देश हैं जिन पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया। अभी सैम बहादुर मूवी आने वाली है, सैम मानेकशॉ ने एक बार बोला था ना कि अगर कोई मरने से डरता है तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। यही गोरखाज ने पूरे नेपाल को बना दिया, और औकात नहीं थी कि कोई इंसान नेपाल पे, कोई देश नेपाल पे जो है वो आक्रमण कर दे। बस एक बार ये एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था 1814 से लेकर 16, बस वो इकलौती प्रॉब्लम थी नेपाल की, जब नेपाल झुका था और ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी तो बहुत सारे एरिया जो है वो नेपाल ने भारत को दे दिया, मतलब सिक्किम और हिमाचल के बहुत, भारत के बहुत सारे एरियाज। नेपाल आज का नेपाल तो छोटा है, पहले का नेपाल बहुत बड़ा था, ठीक है। भारत के बहुत सारे एरियाज फिर बाद में ब्रिटिश ने उन सब एरिया को यहां पे शामिल कर लिया, और उसके बाद फिर जब हम आजाद हुए तो फिर आज का जो नेपाल है वो अस्तित्व में आया। अभी सर पूछ रहे थे कि सर मैं आऊं, आ जाऊं, मैंने कहा बिल्कुल आ जाओ। अभी शाम के पता नहीं कब लेक्चर अपलोड हो, बट शाम के 5 बजे अभी मैं लेक्चर कर रहा हूं। तो आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग ऑफिस में जो हमारी फैकल्टीज हैं उनको सुबह बुलाते हैं, भाई 10-11 बजे आते हैं आराम से, बहुत एकदम मस्त है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और जब उनका काम हो जाता है, और बेसिकली उनका 2-2.5 घंटे में काम हो जाता है, उनको वापस भेज देते हैं। तो आज रवि सर कह रहे कि सर मुझे जाना है, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मैं लेक्चर कर लूँ 2-3। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो रवि आ रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो नेपाल की हम बात कर रहे थे। तो अब गोरखास ने यहाँ पे, देखिए गोरखास 15th सेंचुरी से ही, जो शाह डायनेस्टी थी, मतलब ये डायनेस्टी जो है वो बहुत टाइम से रूल कर रही थी। लेकिन किंगडम ऑफ नेपाल, देखिए यूनाइट नहीं था नेपाल, नेपाल डिवाइडेड था। चौबीसिया यानी कि किंगडम ऑफ 24 स्टेट्स नेपाल को यूनाइट किया 1743 में।
1743 पूरा 18th सेंचुरी में नेपाल यूनाइट हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ नेपाल। और ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत भारत के भी, आज के जो बहुत सारे एरिया भारत के भी थे, ठीक है। और फिर जैसा कि हमने बताया एंग्लो नेपाल वॉर हुई, उसके बाद राणास भी आए थे 1846 में। अच्छा राणास भी देखिए, यहां पे राणास जब आए तो उनके पास पावर आ गई, ठीक है, लेकिन वो राजा नहीं बने। अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट, वो सब वही जो है वो चुनाव करते थे, उसका सत्ता उनके हाथ में थी, है ना। 1846 के बाद, 1846 से 1846 से कट टू 1951, 1951 आता है। अब 1951 जब आया, 1950 में भारत ऑलरेडी जो है वो ट्रीटी साइन कर चुका था, फ्रेंडशिप ट्रीटी नेपाल के साथ। नेपाल से बहुत अच्छे रिश्ते थे, होंगे ही, सबसे बड़ी तो हमारा कल्चरल टाइज है हिंदुइज्म, यही हमको जोड़ता है। तो ये हुआ। अब जब यहां पे राजा आए तो अब देखिए, अब हम नए जमाने में प्रवेश कर चुके थे। तो राजा ने क्या कहा, बोला कि इधर आओ, सारे सबको बुलाए नेताओं को, एक काम करो तुम हमारे साथ आओ, हमारे साथ रूल करो। क्या बात है, तुमको हम पोजीशन देंगे, तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तुमको प्रेसिडेंट बना देंगे, बहुत बढ़िया है, एक संविधान बना, मतलब एक पूरा प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन 1960 में एक ऐसी चीज हुई जिसने आज के नेपाल को जन्म दिया। हुआ क्या, 1960 में सब बैन, सारी पार्टी बैन, एक पंचायत सिस्टम आया। अब इस दौरान 1960 से लेकर 1990 तक नेपाल मॉडर्नाइज तो हुआ, बहुत मॉडर्नाइजेशन आया, डेवलपमेंट भी हुए, लेकिन लोगों को कोई राइट्स नहीं थे यहां पे 30 साल में। लोग परेशान हैरान कि अरे छीन लिया हमसे सब कुछ पंचायत, क्योंकि देखिए राजा ने क्या किया ना, देखिए एक यहां पे रीजन मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रोटेस्ट कब होते हैं। प्रोटेस्ट तब होते हैं जब आदमी दुखी हो। अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोकतंत्र है कि कौन सा तंत्र है। चाइना में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, चाइना वाले खुश हैं, होंगे कभी होंगे, लोगों को फर्क नहीं पड़ता भाई, लोगों को खुशी चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, पैसा दे दो तो लोग कभी विद्रोह नहीं करेंगे। अब देखिए नेपाल में क्या है, नेपाल में तो डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा एग्जांपल नेपाल है, और नेपाल में प्रोटेस्ट बोल रहे कि मोनार्की लेके आओ, वो भी हम बात समझ जाएंगे, हिस्ट्री आप समझ, मतलब जब अभी मैं बता रहा हूं। तो 1960 में उन्होंने सब बैन कर दिया, राजा कभी छोटी हरकत तो करता नहीं है, राजा करप्शन देखिए बहुत कम ऐसे राजा जो करप्शन, क्योंकि राजा ऑलरेडी उसके बाद बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो राजा ये देख रहा है कि इन लोगों को सत्ता मिली नहीं तो ये लोग करप्शन, भयानक करप्शन, लूट खसोट ऐसी की तैसी कर दी जनता की, तो उन्होंने बैन कर दिया कि हटो हटो तुम साइड में निकलो। अब सही बात है, अगर आप देखो तो जब जब नेपाल मोनार्की रही है नेपाल प्रॉस्पर किया है। 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, बहुत ज्यादा बवाल हुआ और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। अब इस समय बहुत सारे ग्रुप, नेपाली कांग्रेस का जन्म होता है इसी समय, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नेपाल में खड़ी हो गई थी, और वो डिमांड करने लगे थे कि पिछले 30 सालों से जो तुमने हमको राइट्स नहीं दिए वो हमको दो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। उसके बाद 1996 में शुरू हो जाता है नेपाल में सिविल वॉर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई बट फिर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक संविधान आया 1990 में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तब भी राजा और उनमें चल रहा था, तो कम्युनिस्ट और राजा के बीच में हो गया सिविल वॉर, और ये 10 सालों तक चलता है, 2006 तक चलता है, और फाइनली राजा हटे, राजा हार गए, और 2008 में रिपब्लिक ऑफ नेपाल का जन्म हुआ। पूरी तरीके से संविधान, मतलब जो मोनार्की है उसको एबॉलिश किया गया कि आज से कोई राजा पाजा नहीं होगा, राजा का बजाएंगे हम बाजा, तो तुरतुरी लगा के निकल लो। लेकिन राजा तो राजा है, मूड खराब हो उनका कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट यहां पे अब कम्युनिज्म आ गया, तो दो बड़ी पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक नेपाली कांग्रेस। 2015 में फिर एक संविधान आया, बहुत सारे संविधान आए। 2008 से लेकर 2023 तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेपाल में काफी अनस्टेबिलिटी रही है, भारत के खिलाफ बहुत सारे, आपने देखा था 2015 में जो ब्लॉकेट लगा था, 2018 में भी इकोनॉमिक क्राइसिस, अभी केपी ओली के ऊपर ये बोला जा रहा है कि तो चाइना की गोद में जाके बैठ गए हैं। ये बात सच है, जब जब नेपाल में मोनार्की रही है तब तब नेपाल प्रॉस्परस रहा है, बहुत कम ऐसे देश हुए हैं। बट मुझे शायद हिंदू प्रिंसिपल पे चलना मे बी, कि यहां पे नेपाल में देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, राजा भी खराब हुए हैं, सारे राजा अच्छे भी नहीं हुए, तभी लोगों ने विद्रोह किया। लेकिन अब यहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है, लोगों का काम हो नहीं रहा है, तो बोला यह जा रहा है, अभी केपी ओली नहीं है, नेपाली कांग्रेस के आपके प्रचंड है, बट देखिए मेन है वहां पे कम्युनिज्म ही, लेफ्टिस्ट ही है वहां पे, राइटिस्ट नहीं है, क्योंकि माओ
अभी जो है ना माओवादी सरकार, माओवादी सरकार है, ये मत समझिए आप, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिविल वॉर भी हुआ ना वो माओवेस्ट ही था, चाइना ने सपोर्ट किया था तगड़े से, इसलिए जीता भी नेपाल। मतलब तो अभी ये हो रहा है कि इन सबको हटाओ, ये है इस समय के प्रेजेंट राजा ज्ञानेंद्र विक्रम शाह, और इनको लेके आओ, ठीक है, और केपी ओली प्रचंड, इनको हटाओ, प्रचंडा अभी जो है वो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है। तो नेपाल में सड़कों पे लोग आ गए, लाखों में लोग आए, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी नेपाल 7 प्रोविंसेस में है, और बोले जा रहे हैं कि, और देखिए काफी इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, काफी ब्लॉकेट्स लग रहे हैं वहां के, जो जो काफी ऐसे लोग हैं नेटिव्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमको जो है वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स नेपाल में ज्यादा हैं, 2008 के बाद से प्रॉब्लम और ज्यादा है, और नेपाल की प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, नेपाल में करप्शन बहुत ही ज्यादा हो गया है, भयानक करप्शन, काठमांडू को छोड़ के कहीं पे आपको ना प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, ना हेल्थ फैसिलिटी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, नेपाल पीछे जाता जा रहा है। तो उन्होंने ऐसे लोकतंत्र की तो कल्पना नहीं की थी, तो यही बोल रहा कि राजा को लेके आओ, इनसे ना हो पाएगा। मुझे लगता है आने वाले समय में नेपाल एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अगर नेता फेल हो गए, वो डिलीवर नहीं कर पाए, भाई देवबा थे पहले, केपी ओली फिर देवबा प्रचंड, तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री भी वहां पे लगातार बदलते जा रहे हैं, इसका मतलब सत्ता में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहां पे 275 सीटें हैं, किसी को कभी बहुमत मिलती नहीं, कोई किसी के साथ सरकार बना लेता है, कोई किसी के साथ, यहां कोई आइडियोलॉजी, देखिए आइडियोलॉजी एक है लेफ्टिस्ट, तो अब सभी है मैक्सिमम पार्टी लेफ्टिस्ट है, तो कोई किसी के साथ सरकार बना रहे, कोई किसी के साथ सरकार बना रहे, और सब बिक रहे हैं जितने भी मेंबर्स हैं, हर किसी को अपनी सत्ता अपनी कुर्सी की पड़ी है, लोगों की किसी को नहीं पड़ी है, तो वही 1960 वाला हिसाब किताब अब हो गया, तो इसीलिए लोग बोल रहे कि मोनार्की वापस लेके आओ। तो देखेंगे क्या होता है, पल पल पे हम इस पर अपडेट बनाए हुए हैं, तो मैंने छोटा सा इतिहास आपको बता दिया ताकि आपको एक एक चीज पता लग सके। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने रिपोर्ट दी कि देखिए इस टाइम पे नेपाल के अंदर जो हालात क्रिएट हुए हैं उससे कहीं ना कहीं लिखता है कि यार सिविल वॉर की तरफ नेपाल जा सकता है और नेपाल को धकेला जा रहा है। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इनको जानबूझ के सिविल वॉर की तरफ धकेला जा रहा है या लेके जाना चाह रहे हैं, या कई लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि भाई नेपाल खुद सिविल वॉर की तरफ जा सकता है। देखिए कई सवाल उठते हैं, नेपाल के अंदर कंडीशन इतनी खराब है तो सिविल वॉर की तरफ लोग भी जा सकते हैं, उनको लेके भी गया है कोई, या इन सब सबके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए नेपाल के अंदर अचानक से एक मुहिम उठती है, एक प्रोटेस्ट उठता है किंग को वापस लाना है अचानक से, तो माइंड में कहीं ना कहीं ये कटकता है कि किसी न किसी कंट्री ने, चाइना या इंडिया ने इनके माइंड में डाला है, तो अचानक से ये सारी चीजें निकली आई है। दूसरी चीज, जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कम तादाद में नहीं हो रहा, ज्यादा तादाद में हो रहा है, ज्यादा तादाद में मींस दैट के किसी न किसी ने इनके माइंड में डाला है, और उनके पॉलिटिशियन ने फिर वो जो इस टाइम पे मोनार्की को सपोर्ट कर, उसने इस चीज को इमरान खान की तरह बिल्डअप किया और उसको लोगों के अंदर डाल दिया कि भाई मोनार्की इज बेस्ट ऑप्शन। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने बोला कि प्रेसिडेंट पद या जो प्रेसिडेंट होता है, आप मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर ना हो प्रेसिडेंट हो तो वो बेहतर रहेगा, सेम चीज नेपाल के अंदर भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भाई इनको धकेला जा रहा है, अब ये सिविल वॉर की तरफ खुद जा रहे हैं ये कंफर्म है, क्योंकि देखिए दूसरे ने एक आइडिया दिया कि आप इस तरीके से जा सकते हैं, मोनार्की को वापसी ला सकते हैं, बट जबकि अपने लोग जो है ना इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर वो इतने जज्बाती हो जाते हैं, वो इतने रोडों पर निकल जाते हैं, अपनी चीजों का नुकसान करते हैं, अपने मुल्क का नुकसान करते हैं, अपनी सारी चीजों का नुकसान करते हैं, तो माइंड कहीं ना कहीं कटकते हैं कि भाई खुद सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं, और सिविल वॉर की तरफ अगर गया नेपाल, नेपाल वैसे ही इतना पीछे इतनी कंट्रियों से, तो नेपाल के लिए और मसले क्रिएट होंगे और फिर नेपाल इस दौड़ के अंदर काफी पीछे रह जाएगा। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।